मकसद यही है कि म्यूजिक में या किसी भी क्षेत्र में अगर आपका बच्चा, आपकी बेटी अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो प्लीज आप उसकी प्रतिभा को पहचानें। सारी दुनिया आपके बच्चे का टैलेंट को देख रही है, सिर्फ घर। मित्रों, अभी हम सिवान शहर में मौजूद हैं और जब सिवान शहर की बात आती है तो विभिन्न प्रकार की जो कलाएं हैं, विभिन्न प्रकार की जो यहाँ की मतलब एक तरह से सिवान को आगे बढ़ाने में जो विभाग है बहुत सारे हैं, वो आपका कला है, खेल है, आपका गायन है, फिर नृत्य है और भी मतलब बहुत तरह से, और इतिहास भी गवाह है कि सिवान जो शहर है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम से जाना जाता है, मौलाना मजहरुल हक जी के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में हम सपनों का सिवान वैसे लोग के साथ करते हैं जो कि वाकई में अपने सिवान के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं और सिवान को बेहतर बनाने में एक मशहूर भूमिका निभा रहे हैं। और इसी क्रम में आज हमारे साथ दो जोशीले सिंगर हैं जो कि काफ़ी फैंस को अपने आवाज़ के दम पर झुमा चुके हैं, और केवल सिवान ही नहीं, बिहार के अलग अलग जिले, यहाँ तक कि बिहार से बाहर भी, बनारस तक और बढ़िया बढ़िया जगह जाकर शो किए हुए हैं। और ये मतलब एक बहुत गर्व की बात होती है कि जब हम बैठते हैं और इन लोग के साथ कुछ बात होती है और इनके संघर्षपूर्ण जीवन को हम जानने का प्रयास करते हैं तो इनको भी बहुत ही खुशी का आभास होता है। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे आज के हमारे जो गेस्ट हैं, सिंगर अविनाश जी और वकील जी का अपने चैनल पर। और हम चाहेंगे कि वकील जी का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका भी सुशांत जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपने भी दिया, और बस और हम यही आशा करेंगे कि इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे जीवन के बारे में जो भी चीज़ें हम बताएंगे आज हम आपको उसको शेयर कीजिएगा, लाइक। जरूर, और आज आपको बताते चलें कि जो हमारे दाहिने बगल बैठे हैं वकील जी, इनको डॉक्टर वकील हम कहेंगे क्योंकि इनका मुख्य पेशा है एज अ डॉक्टर, ये सेवा करते हैं यही हुसैनगंज के बगल में माहपुर एक जगह है वहाँ पर। और बिजनेसमैन अविनाश जी भी हम कह सकते हैं क्योंकि इनका बड़ा ही अच्छा एक प्रतिष्ठान है आपका बबुनिया रोड में और अमूल का पूरा डीलरशिप इनका है। तो अब हम जानना चाहेंगे सबसे पहले अविनाश जी से, ये जो गीत गाने की जो आपकी जुनून रही है वो कब से शुरू हुई? ये जुनून तो बचपन से जी, जब मैं स्कूल में था तभी गीत गाता था, अभी मेरे गुरु से चलाया जाता था, भाई को बहुत अच्छा तुम्हारी आवाज़ है, तो राष्ट्रीय गान नहीं गाता था स्कूल में। उसके बाद मैं हाई स्कूल में गया, वहाँ परफॉर्मेंस होता था, तो परिवार से थोड़ा बहुत निगेटिव पॉइंट मिला मुझे, पहले के लोगों को पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी मैं अपना काम करता था और संगीत के प्रति अपना इंटरेस्ट हुआ है। जब मैं कॉलेज में आया तो इसी एक संस्था थी जिसकी कंट्रेस एसोसिएशन सिवान की बहुत ही मशहूर संस्था थी, उसमें मैं पार्टिसिपेट करता रहा, काम करने के अलावा प्रोग्राम होता था, स्टेज प्रोग्राम करता था, वही शुरुआत हुआ। और आज आप इस जगह पर हैं और ये सिवान की पावन धरती है और कहीं ना कहीं हम बिहार में हैं और यहाँ पे ज़्यादा वर्चस्व पढ़ो 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 इसी बात को लेकर रहती है और ज़्यादा लोग का रुझान भी एज अ गार्जियन जो यहाँ पे रहते हैं उनको रहता है कि मेरा बच्चा पढ़कर ही, क्योंकि रिकॉर्ड्स भी है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूपीएससी यहीं के होते हैं। खैर, अच्छा है और होने भी चाहिए, बिहार का इससे गौरव बढ़ता है, लेकिन और भी सेक्टर को बढ़ावा मिलना चाहिए और सेक्टर को हम दरकिनार नहीं कर सकते। इसी क्रम में हम वकील जी से जानना चाहेंगे कि इनके जीवन में कैसे कैसे मोड़ आया और यहाँ तक ये कैसे पहुँचे। जैसा विनायक भाई ने बताया कि मोड़ जो है नेगेटिव पॉइंट, तो अपने जीवन में कुछ ऐसा ही रहा जी। और मैं बता दूं कि जितने भी संघर्ष होते हैं ना जीवन में, जो भी लोग महान हुए हैं उनके सभी के जीवन में कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स रहे हैं, बहुत मुश्किलों से लोग आगे बढ़ते हैं। बचपन से गा तो मैं भी रहा हूँ, समझ लीजिए 90s के पहले से मैं गा रहा हूँ, और पढ़ाई लिखाई के लिए हम लोग पंजाब चले गए, पापा लेकर चले गए, मैं अपने माँ बाप का एक लड़का हूँ, और वहाँ पे गए तो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ म्यूज़िक भी होता रहा। स्कूल में प्रेयर नहीं करवाता था, 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, या स्कूल की तरफ से कोई कॉम्पिटिशन आ जाता है, स्कूल वाले करते हैं आपस में समूह गान प्रतियोगिता वगैरह, उसमें भी पार्टिसिपेट करते रहे,
मेरी आवाज़ को पहचाना टीचरों ने, अच्छा गाता है। तो उसके बाद से फिर टेंथ तक हम लोग इसी तरह जनवरी 15 अगस्त में करते रहे, धीरे धीरे म्यूज़िक करते रहे, गाते रहे, गलियों में गाते रहे, घरों में गाते रहे। लेकिन ऐसा कोई मुकाम नहीं मिल रहा था कि कहीं तो फिर एक है टीचर हमारे थे वहाँ पे रामगोपाल जी, तो उन्होंने मेरी प्रतिभा को पहचाना, मुझसे कहा कि आप हमारे साथ आओ, आपकी लाइफ आगे बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत अच्छी लाइफ होगी आगे, अच्छा कर पाओगे सिंगिंग में। मैंने पापा से पूछा, गार्जियन से पूछा जरूरी है, तो पापा से पूछा तो बोले कि आप यहाँ तक को पढ़ाने लिखाने लाया हूँ, ये सब बचनिया बचनिया जानते हैं जैसे बिहार, तो ये सब चीज़ें वो लोग थोड़ा सा नेगेटिव जैसे कह रहे हैं कि समझ नहीं पाए वो गायकी क्या है, कौन सी चीज़ है। क्योंकि इतना पहले ऑनलाइन चीज़ें नहीं थी, इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था कि जैसे कि आजकल इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है, हर जगह म्यूज़िक हर चैनल पे म्यूज़िक दिखाई दे रहा है, तो म्यूज़िक को लोग समझ रहे हैं आज के जनरेशन में, पहले के जनरेशन ऐसे नहीं समझ पाते थे, बड़ी प्रॉब्लम्स आई, इसीलिए हम लोग इतना लेट हैं। मैं आज से नहीं गा रहा हूँ, बचपन से गा रहे हैं, चलो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन संघर्ष तो बड़ी करना पड़ रहा है, और करते रहेंगे हम दोनों भाई, करते रहेंगे और आगे बढ़ने के लिए हमेशा हम लोग ये रहते हैं यहाँ, तो बस आप लोग इस तरह आशीर्वाद प्यार बनाए रहिए। और कहीं ना कहीं ये जो गार्जियन सुन रहे होंगे इस वीडियो को, हम आपसे विनम्र निवेदन करेंगे कि आपके बच्चे अगर कुछ करना चाहते हैं तो एक बार उसमें थोड़ा समय उनको देने दीजिए, उनकी जो प्रतिभा है वास्तव में वो निखर कर अगर आती है तो उसको आप जरूर जोड़ लगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सब लोग पढ़ कर ही बहुत बड़ा नाम करेंगे। आज आप बहुत बहुत बड़े सेलिब्रिटी को देख रहे होंगे, वो बहुत बड़ा मुकाम हासिल किए हैं और बहुत बड़ा नाम अपने अपने सेक्टर में किए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो केवल पढ़ कर ही किए हैं, बहुत लोग मैट्रिक इंटर फेल हैं फिर भी वो काफ़ी बड़े एक पायदान पर पहुँचे हैं। तो हम चाहेंगे वकील जी से ही कि ये जो चूँकि आप लोग एक सिंगर ग्रुप बना लिए हैं और बहुत अच्छा से सेवा दे रहे हैं, आप लोग कोई विवाह फंक्शन होता है तो आप लोग जाते हैं वहाँ, अपना जो प्रोग्राम है वो करते हैं, तरह तरह के एवरग्रीन जो सॉन्ग्स हैं उस पर गाते हैं, अक्सर लाइव भी आ जाते हैं जी। तो हम चाहेंगे कि ये जो सिंगिंग ग्रुप बना के काम करने का ये कब से शुरू हुआ? हाँ, मुलाकात हुई एक प्रोग्राम्स के दौरान अभिलाष भाई में, और प्रोग्राम किस पे कर रहे थे, तो वहाँ मैं भी प्रोग्राम करने गया था, सिवान में ही जी। तो स्टेज पे गाना वाना किया, तो अभिलाष भाई तो वैसे हम लोग पहले से जानते हैं दूसरे को, बिकॉज 2011 में एक सिवान में कंपटीशन हुआ था रेडियो सिने की तरफ से, सुनो के योद्धा, तो उस दौरान अभिलाष भाई ने पार्टिसिपेट किया था, मैंने भी किया था, चलो वो क्या मुकाम हासिल हुआ उससे, हम दोनों की मुलाकात हुई और फिर काफ़ी दिन गैप पड़ा, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जान पाए, फिर इसी तरह प्रोग्राम्स के दौरान कहीं स्टेज पर हम दोनों की मुलाकात हुई, तो उस दिन हम लोग बात किए कि भाई हम लोग प्रोग्राम साथ में करेंगे, तो तब से हम साथ में प्रोग्राम कर रहे हैं, अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, बढ़िया चल रहा है भाई। और आपको बताते चले कि 2011 के लगभग में एक बड़ा अच्छा रेडियो स्नेही का एक पहल थी जो कि सुनो के योद्धा यहाँ सिवान में चल रहा था, और पहले जो उसका पहला सीजन आया था उसके अविनाश जी रनर थे, मतलब सेकंड पोजीशन आया था, और दूसरे उसका जो दूसरा सीजन था उसमें वकील जी फर्स्ट पायदान पे आए थे। तो ये बहुत बड़ी प्रतिभा है, पूरे सिवान में अगर आपका नंबर एक आता है तो आप में कुछ ना कुछ बात तो विशेष है। चलिए हम जानेंगे कि ये जो आपका सिंगिंग का मतलब सफ़र इतना सारा जो साल का रहा, और बहुत जगह ऐसा होता है कि स्टेज पे कोई कुछ बोल दिया, बहुत सारा चैलेंज आपको झेलना पड़ता है, कोई सोशल मीडिया पे बोल दिया वहाँ भी, क्योंकि ये सब जो सिंगिंग शो है टीवी के माध्यम से काफ़ी इसका वर्चस्व मार्केट में बढ़ा है, तो कितना चैलेंजफुल ये रहा आपका जो सफ़र सिंगिंग का? चैलेंजफुल तो अभी भी है जी, परिवार से भी है और बाहर से भी है, खैर कोई बात नहीं, प्रतिभा को सब लोग पहचान रहे हैं और स्टेज पर हम लोग जाते हैं तो कई तरह की बातें सुनने को मिलती है, तो उसको हम लोग इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर नहीं निकालेंगे तो हमारा जो लक्ष्य है वो हमें मिलेगा नहीं बिल्कुल, और हम लोग अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ रहे हैं, बस पर हम कोशिश जारी रखे हुए हैं और हमें उम्मीद है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और कहीं ना कहीं जो भी सीखने वाली चीज़ होती है, हम कहीं मंच पर रहते हैं तो सीखने वाली चीज़ों को ही अपने अंदर समाहित करना चाहिए, जो वैसी बातें हैं जिससे कुछ बनना बिगड़ना नहीं है, जिससे मन को आहत पहुंचे तो उसको इग्नोर ही कर देना चाहिए, उसी में समझदारी है। तो हम चाहेंगे वकील जी से कि वकील जी अब आने वाले दिनों में, क्योंकि ये जो 2 साल कोरोना में काफ़ी कुछ बर्बादी हुई है, खासकर प्रोफेशन करने वाले वो सर्कस पूरी तरह से मार्केट में खत्म हो गया, और भी बहुत तरह के वैसे जो पब्लिक प्लेस पे होते थे कार्यक्रम पूरी तरह से खत्म, जादू का भी वैसा क्रेज नहीं रहा, तो हम जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में अपना लक्ष्य क्या है, कहाँ इस म्यूजिकल ग्रुप को लेकर जाना है?
जी देखिए, बहुत जगह ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि यहाँ से अच्छे सिंगर नहीं आ रहे हैं, यहाँ से हम चाहते हैं कि बिहार में भी कुछ ऐसा काम हो कि पूरी दुनिया जाने बिहार की म्यूज़िक को, बिहार की माटी को, भोजपुरी को, हिंदी को। कलाकार जो है, देखिए पता क्या होता है, फनकार की कमी नहीं है बिहार में, बहुत तगड़े तगड़े बहुत अच्छे अच्छे फनकार हैं, बहुत अच्छी अच्छी प्रतिभा है यहाँ पे, लेकिन कुछ आर्थिक स्थिति ऐसी हो जाती है ना कि बंदा कर नहीं पाता है। एक भोजपुरी में कहावत है कि भुजो खा फणवो टुओ, तो ऐसी स्थिति आ जाती है कई बार। फनकार की कमी नहीं होती, बहुत फनकार हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे बिहार में, गाने वाले, डांसिंग कॉम्पिटिशन में जाने वाले, बिहार धीरे धीरे डेवलपमेंट कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि इस सिंगिंग वाले क्षेत्र में नाश भाई और मैं कुछ ऐसा कार्य करें, कुछ ऐसी जोड़ी बना के हम लोग कार्य करें सिंगिंग के लाइन में, जो प्रोफेशनली हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, तो ऐसा करें कि नाम हो, सिवान का नाम हो, बिहार का नाम हो, हमारे चाहने वाले जितने फैंस हमारे भाई हैं, हमारी बहनें जितनी हमें सुन रहे हैं लोग, इन सब का नाम हो कि कोई बाहर नाम ले तो बोले कि सिवान कहने को जानता हूँ, ये करता हूँ। तो हमारे दिल में ये उम्मीद रहती है हमेशा कि हम लोगों को खुश करें अपने गाने से, अपने देश का, अपने सिवान का, अपनी माटी का धरती का नाम रोशन। और ये जरूरी भी है, आप जहाँ से भी आते हैं, आप अपने मिट्टी को, आप अपने जिला को, आप अपने राज्य को बहुत ऊपर तक ले जाने का प्रयास करें, वैसा कुछ करें कि लोग आपके नाम से आपके जिला को जाने। लोग कहें कि एक ग्रुप था म्यूजिक का, दो भाई थे, अविनाश जी और वकील जी, जो कि स्टेज पर जब जाते थे तहलका मच जाता था, लोग इनके गायन पर लोग झूमने पर तैयार हो जाते हैं। जैसे लोग भक्तिमय माहौल में जब लोग एकदम राधे राधे करने लगते हैं तो उस तरह का माहौल दे देते हैं, क्योंकि गाते हैं बहुत अच्छा गाते हैं। तो हम चाहेंगे कि एक लाइन कोई भी गाना आप गुनगुनाए अविनाश जी। मैं और वकील जी एक साथ गाना गाना चाहते हैं। जरूर जरूर, तो फिर माइक बीच में करना होगा और आप लोग शुरू हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलिए। दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ये दोस्ती बरकरार रहनी चाहिए, और ऐसे ही जो आप धूम मचा रहे हैं पूरे सिवान में, एक समय आए कि पूरे भारत लेवल पे, ना ही पूरे विश्व लेवल पे आप ये करें। और आपको लोग जो कोयले की खान से जो सोना और हीरा को तराशा जाता है, वैसे लोग आपके महत्व को पहचानें, लोग आपको वैल्यू दें, और आने वाले जो जनरेशन है, हो सकता है आपके गार्जियन से, हमारे गार्जियन से कुछ कमी रह गई हो, तो आने वाले जनरेशन म्यूजिक को समझे और उसको वैल्यू दे, ताकि उनके बच्चे अगर इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उनको प्रोत्साहित करें, ना कि उनका टांग खींचे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। और सर, एक बात मैं कहना जरूर कि इसमें पब्लिक बात कहना चाहूँगा जरूर जरूर कि प्लीज़ हाथ जोड़ के बेनती है आप लोगों से, ये इंटरव्यू के लेने का मकसद यही है कि म्यूजिक में या किसी भी क्षेत्र में अगर आपका बच्चा, आपकी बेटी अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप उसकी प्रतिभा को पहचाने। सारी दुनिया आपके बच्चे का टैलेंट को देख रही है, सिर्फ घर के ही लोग उसकी टैलेंट को नहीं देख पाते, ऐसा क्यों? ये प्रॉब्लम्स आज से नहीं बनी है, अविनाश भाई हो, मैं हूँ, या कोई भी इंसान हो इस दुनिया का। अगर बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत लोगों से हम मिलते भी हैं, बहुत लोग हमसे मुलाकात करते हैं, अरे भाई आपको देखा था मैंने, इतने देर हो गया। कहने का मतलब है कि प्रतिभा को जरूरत है हेल्प की, मदद की जरूरत है उसकी प्रतिभा को, बच्चे की प्रतिभा को पहचानो। जो काम वो 10 साल 15 साल पहले करने वाला था, आपने उसे 15 साल लेट कर दिया, तो इसमें प्रतिभा को पहचानने की जरूरत है। आज इतने, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि पीछे हैं, समय के साथ चल रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि उस चीज़ को पहले नहीं देखना, इसके लिए अगले को मकसद नहीं मिल पाता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े स्टार को ही शेयर लाइक करें, बहुत बड़े स्टार जो हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का इंटरव्यू में, बहुत लोग बड़े बड़े सिंगर हैं, बड़े बड़े एक्टर हैं, आप उनके गानों को फॉलो करते हो, आप उनके म्यूजिक को, उनके वीडियो को शेयर लाइक करते हो, हम जैसे कलाकारों को भी करो, पढ़ाओ यार आगे की तरफ, शेयर लाइक दो। मज़ा तो तब है ना
कि जब आपको लगे कि यार एक ऐसे सिंगरों को हमने सपोर्ट करके इस मुकाम पे पहुंचाया, हमने पहुंचाया, हमें अच्छा लगेगा कि हमें सिवान के लोगों से मदद मिल रही है। प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, अगर हमारे गानों में आपको मधुरता नजर आती है, चाहते हैं कि लड़के बहुत मेहनत कर रहे हैं, इनका सपोर्ट होना चाहिए, तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करें, आगे बढ़ने में मदद करें जी। और ये जरूरी भी है कि आप अगर अपने, मोदी जी भी कह रहे हैं कि वोकल फॉर लोकल, मतलब आप अगर अपने घर के लोगों को, आप अपने गांव के लोगों को, अपने जिला के लोगों को अगर आगे नहीं बढ़ाएंगे तो दूसरा वाला तो पहचानता भी नहीं है। आप इनको अगर चाहें तो पूरे विश्व के लेवल पे दिखा सकते हैं। तो आप एक बार प्रयास करें कि ऐसे ऐसे नहीं, हम कह रहे हैं केवल इन्हीं लोगों, इस प्रकार से जो भी अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं उन सब के लिए आप खड़े होइए और एक बार प्रयास करिए कि इनकी भी जो इनके अंदर जो छुपी प्रतिभा है वो सामने आए, पूरे विश्व के सामने उजागर। बने रहिए फ्रैंक साहब के साथ, ऐसे ही हम एक और कहानी लाते रहेंगे और आपको कुछ बढ़िया अपने आसपास का दिखाते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।